हेलो दोस्तों, आज हम एकदम क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स बनाएंगे। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ 3 उबला हुआ आलू लिया है और अब मैं इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी। ये आलू को मैंने ग्रेट कर लिया और इसी तरह सब आलू को मैं ऐसे ही ग्रेट कर लूँगी। ये देखिए, मैंने सब आलू को ग्रेट कर लिया और मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1/2 कप राइस फ्लावर। आप चाहे तो यहाँ पे कॉर्नफ्लावर का भी यूज़ कर सकते हैं। और स्वाद अनुसार नमक डाला मैंने, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1/2 टीस्पून चाट मसाला, और थोड़ा सा डाल रही हूँ यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब हम इसे अच्छा से मिक्स करके इसका एक डो बना लेंगे। इसका एक सॉफ्ट डो बना लेना है हमें। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये देखिए, मैंने एक नरम डो लगा लिया है। और अब हम इसे ढक करके रेस्ट थोड़ा देर के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने करीब 5-6 मिनट के लिए रेस्ट पर रखा था और अब देखिए। और अब मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी और इसे हमें लंबे शेप में करना है। ये ऐसे सरफेस पे हमें ऐसे लंबा साइज का कर लेना है ताकि इसका छोटा छोटा पीसेस कट सके। ये देखिए, मैंने ऐसे इसका ऐसा लंबा सा कर लिया है और अब हम इसको चाकू की सहायता से छोटा छोटा पीसेस काट लेंगे। और अब हमें एक फोक की सहायता से ऐसे हमें डिजाइन बना देना है ताकि देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगे। ये देखिए, मैंने ऐसे सब कर लिया और यहाँ पे ऑयल मेरा मीडियम गरम है और एक एक करके मैं सब इसे फ्राई कर लेती हूँ। इसे हमें मीडियम आंच पे ही फ्राई करना है ताकि ये एकदम अच्छा से क्रिस्पी हो जाए। इसे उलट पुलट के अच्छे से हमें फ्राई करना है। एक बार का फ्राई करने में हमें 5 से 6 मिनट के लिए लग जाता है और जब तक ये अच्छा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हमें इसे फ्राई करना है। आप देख सकते हैं ये हमारा फ्राई हो चुका है और दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। और अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और जितना है उसे सब मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा फ्राई हो चुका है और ये इतना ज़्यादा क्रंची है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप एक बार बना के ज़रूर इसे ट्राई करना। और चैनल पर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और तब तक के लिए मिलते हैं हम फिर एक ऐसे ही रेसिपी के साथ। बाय बाय।